आई एम एस के मिश्रा एंड आई वेलकम यू टू द शार्प करियर। आज मैं हूज ये सबसे कठिन होते हैं यूज करने में, इसका अर्थ नहीं पता चलता कि आखिर इनका यूज कैसे होगा, कहाँ होगा और इनका हिंदी में अर्थ क्या निकलता है। आप देखें हु का अर्थ क्या है, किसी जगह इसका अर्थ कौन है, किसी जगह इसका अर्थ किसने है, प्रश्नवाचक वाक्यों में। और जो प्रश्नवाचक वाक्य नहीं है उनमें अगर उपयोग है तो जो इसका अर्थ हो सकता है जो। अब देखें किसको, जिससे, whom, whom, whose, किसका, जिसका। देखिए इनके अर्थ जरूर देखें फिर बताता हूं। कौन, किसने, प्रश्नवाचक वाक्यों में हु अंग्रेजी बनेगी, जिसका उत्तर सब्जेक्ट में आएगा अर्थात जिसका उत्तर सब्जेक्ट होगा, जैसे ही, शी, इट, किसी का नाम, यू, वी, दे, सब्जेक्ट होगा। हुम का जो उत्तर होगा वो ऑब्जेक्ट में होगा, जैसे हिम, हर, डैम, इस तरीके से ऑब्जेक्ट में होगा इसका उत्तर। अब देखें प्रश्न पूछने पर उत्तर कोई सब्जेक्ट ही होगा हु का, ही, शी, यू, वी, दे, मैं पहले ही बता चुका हूं। अब देखें उदाहरण, किसने लिखा, हु रोट द लेटर, पत्र किसने लिखा, किसने, देख लीजिए यहां पर किसने भी इसकी हिंदी होती है, कौन ही नहीं होती, किसने भी होती है। हु रोट द लेटर, ही रोट द लेटर, उसने लिखा ये पत्र, तो यहां ही आ सकता है, हिम रोट द लेटर कभी नहीं आएगा। अब देखें जो भी इसका अर्थ होता है, हु माने जो या जिसने, हु हेल्प यू, किसने तुम्हारी मदद करी, किसने तुम्हारी मदद करी, ही वॉज ए टीचर, हु हेल्प मी, एक टीचर थे, अध्यापक महोदय थे, जिन्होंने मेरी मदद करी, जिसने मेरी मदद करी। अब देखें ही इज द बॉय हु बीट्स मी, अब जो का अर्थ देगा यहां पर, ही इज द बॉय, ये वही लड़का है, हु बीट्स मी एवरी डे, जो मुझे रोजाना मारता है, रोजाना पीटता है, जो यहां पर अर्थ है। अब देखें किसको, हुम या जिससे, तो जब प्रश्न पूछा जाएगा तब किसको इसका हिंदी होगी। देखें प्रश्न पूछने पर उत्तर ऑब्जेक्ट ही होगा, जैसे हिम और हर, इसमें जो प्रश्न पूछने पर उत्तर मिलेगा वो ही, शी, इट, नाम, आई, वी, यू, दे नहीं मिलेगा। किसको, हुम डू यू लव, तुम किसको प्यार करते हो, किसकी, किसको, हुम की हिंदी हुई, तुम किसको प्यार करते हो, मैं उसको प्यार करता हूं, आई लव हर, मैं उसको प्यार करता हूं। अब देखें प्रश्न दूसरा, किसको सूचित करूं, किसको बताऊं, किसको मुझे सूचना देनी है या शिकायत करनी है, टू हुम शुड आई इन्फॉर्म, किसको सूचित करूं, टू हुम इट मे कंसर्न, जिससे यह संबंधित हो। अब जिससे भी इसका अर्थ होता है, ये लिखा है जिससे, टू हुम इट मे कंसर्न, जिससे इसका संबंध हो उसी से शिकायत कर दो। अब हुज को देखें, हुज पोजेशन दिखाता है किसी चीज पर, यानी आपका मालिकाना हक दिखाता है, अधिकार दिखाता है हुज। अब हुज को ये और समझ लें कि इसमें एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ है अगर, तब और हु इज इसका अर्थ होता है, या हु हैज इसका अर्थ होता है, जब एपोस्ट्रोफी हु के आगे एपोस्ट्रोफी एस लगा हुआ हो तो उसका अर्थ हु इज और हु हैज ये हो सकता है, क्योंकि हुज का उच्चारण और डब्ल्यू एच ओ एपोस्ट्रोफी एस हुज का उच्चारण है तो एक ही, तो कभी कभी गलत फहमी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है। Whose phone is this? मालिकाना हक, किसका फोन है भैया, किसका बच्चा है ये, किसका पेन है ये, किसका मोबाइल है ये, Whose phone is this? ये किसका फोन है, He whose dress is white, He whose dress is white, वो जो खड़ा है ना, जिस सफेद कपड़े पहने उसका है,
ही हूज ड्रेस इज वाइट, जिस जो सफेद कपड़े पहने हुए उसका है। हूज बुक इज दिस, ये किसकी किताब है। ही इज स्टैंडिंग देयर हूज बुक इज दिस, वो वहां खड़ा है जिसकी ये किताब है। जिसकी जिसकी जिसका, इसका अर्थ होता है किसका, प्रश्न पूछने में किसका, और जिसका भी इसका अर्थ होता है। अब देखें हूज लेग इज ब्रोकन, किसकी टांग टूट गई है, किसकी टांग टूट गई है। देयर इज ए पेशेंट हूज लेग इज ब्रोकन, देयर इज ए पेशेंट इन द रूम, कमरे में एक पेशेंट है, मरीज है, उसकी टांग टूट गई है। हूज हस्बैंड हैज बीन बीटन, किसके पति, किसका पति पिट गया, किसका पति पीट दिया गया है। शी इज द वुमन, वो खड़ी जो औरत है ना, वो औरत जो खड़ी है, हूज शी इज द वुमन, वो खड़ी है औरत, जिसका, हूज हस्बैंड हैज बीन बीटन, जिसका पति पिट गया है या पीटा गया है। कैसी लगी है मेरी वीडियो, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।